डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर 13 सब्जेक्ट मैथ। टुडे आई एम टीचिंग यू एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, मतलब एंगल्स और उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एंगल द फिगर फॉर्मेट, एंगल भी क्या होता है इसको पहले देख लीजिए। तो द फिगर फॉर्मेट बाई टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब जो फिगर फॉर्मेट होता है दो रेज से एक ही इनिशियल पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर अगर दोनों रे मिले उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो अब नीचे देखिए, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स, जो जहाँ कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्क और साइड्स, मतलब जिस रेज से एंगल फॉर्मेट होता है उसको उसका हम आर्म्स कहते हैं या साइड कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जिसे एंगल एओबी बन गया, एंगल एओबी यहाँ फॉर्मेट होगा, तो इसमें दो रे है, रे एक रे है ओए और एक रे है ओबी, दो रे, दोनों रे का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, ओ क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया, यहाँ ओ क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया, यानी ओए और ओबी जो है टू रेज है इस एंगल में, और ओ इज द कॉमन एंड पॉइंट हुआ यानी वर्टिक्स हुआ, और एंगल एओ भी फॉर्मेट हुआ। इस तरह से एंगल फॉर्मेट होता है। अब हम इसके बारे में और आगे जानेंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर ऑफ एंगल। एंगल इंटीरियर मतलब हो गया अंदर, एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहर, यानी एंगल के अंदर के पॉइंट और बाहर के पॉइंट को हम लोगों को पता चलना है। तो ये एंगल हम मान लीजिए बना दिए, एंगल फॉर्मेट हो गया, यहाँ लिख दिया पी ए ओ बी, एंगल फॉर्मेट हो गया, यहाँ लिख दिए क्यू, यहाँ लिख दिए आर, अब यहाँ लिख रहे हैं एस, यहाँ लिख रहे हैं टी, यहाँ लिख रहे हैं यू, यानी इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इंटीरियर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू आर, और एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर इक्वल टू हो जाएगा, एक्सटीरियर यानी बाहर कौन कौन पॉइंट है, तो एस टी यू, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गया एंगल का। अब देखिए एक्सरसाइज अब हम थर्टी में देखेंगे। थर्टीन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 13 ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका कि राइट थ्री एग्जांपल्स ऑफ एंगल फ्रॉम योर डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में जो हम उपयोग करते हैं उसमें से तीन एग्जांपल लिखना है एंगल का, ठीक है। उसके बाद टू नंबर में नेम द वर्टेक्स एंड द आर्क्स ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यहाँ टू नंबर में फिगर दिया गया है एंगल ए बी सी का, इसमें आपको वर्टेक्स और आर्म लिख देना है, ए बी, ए बी सी, यानी तो इसमें एंगल ए बी सी हो गया, इसमें वर्टेक्स और आर्म हो जाएगा ए बी, और उसके बाद बी सी, आर्म हो गया दो, उसके बाद वर्टेक्स हो गया बी, वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स इक्वल टू बी, यानी इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मेड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम, मतलब जो फिगर दिया गया है नीचे उसमें कितना एंगल फॉर्मेड हो रहा है उसका नेम दे देना है। जैसे थ्री के फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर ये दे दिया गया, ये ट्रायंगल का फिगर है ए बी सी,
अभी इसमें तीन थ्री एंगल्स फॉर्मेट हो रहा है, थ्री एंगल्स कितना एंगल फॉर्मेट हो रहा है, थ्री एंगल्स, तो एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे फिगर में भी देख लेना है। अब फोर नंबर में, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स व्हिच आर इन द इंटीरियर एंगल ए ओ बी। फिगर में एंगल का फिगर दिया गया है, उसमें इंटीरियर पॉइंट दिया गया है और एक्सटीरियर पॉइंट दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर में इंटीरियर पॉइंट लिखना है, सेकेंड नंबर में एक्सटीरियर पॉइंट लिखना है, और थर्ड नंबर में लाई ऑन द एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी पर जो लाई है उस पर फॉर्मेट है। उसके बाद फिर सिक्स नंबर में इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइव नंबर में आपको लिखना है सी द एडजेसेंट फिगर्स एंड स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। फिगर को देखना है और उसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उसके बाद सिक्स नंबर में फिगर दिया गया है, उसमें अनदर नेम लिखना है एंगल का, जैसे एंगल वन का अनदर नेम क्या हो जाएगा, एंगल ई पी बी। जैसे देखिए फिगर ये दिया गया है सिक्स नंबर, सिक्स नंबर का आपका फिगर हो गया। उसके बाद क्यू, यहाँ हो गया एंगल वन, यहाँ हो गया एंगल टू, यहाँ हो गया एंगल थ्री। अब एंगल वन का अनदर नेम लिखना है, तो एंगल वन का अनदर नेम क्या हो जाएगा, एंगल किसके बीच में फॉर्मेट हो रहा है, एंगल बी पी ई, इसका अनदर नेम हो जाएगा एंगल बी पी ई, बस लिख देंगे। इस तरह से एंगल टू का भी अनदर नेम लिखना है, एंगल थ्री का भी अनदर हो गया। इस तरह से आप एक्सरसाइज 13A बना लीजिएगा, डू एक्सरसाइज 13A कंप्लीट, डू योर होमवर्क इन फेयर कॉपी, योर होमवर्क चेक आफ्टर ओपन योर स्कूल। थैंक यू।